Hello, my cuties and beauties. How are you guys? How's it doing? Today I'm going to do full face of first impression. So how I created this beautiful look? How it is looking? Cool, na? So without any further delay, let's get started. पहले ये एन वाई डे का प्राइमर है, ये काफ़ी छोटा सा है, मैंने सुपर एक्सपेक्ट नहीं किया था बट बहुत छोटा। इट इज़ ए जेल बेस्ड प्राइमर, मेरे सच कोई पोर्स नहीं है। लोग जनरली प्राइमर्स को सिर्फ अपने अपन पोर्स पे यूज़ करते हैं, एग्जाम एरिया पे करते हैं, पर हम पूरे फेस पे यूज़ करते हैं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई स्किन टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द फाउंडेशन। हाँ, इसने बहुत काम किया, काफ़ी स्मूथ किया है फेस। नेक्स्ट टू द फाउंडेशन आई हैव दिस एन वाई बे ड्यूई ड्रॉप्स फाउंडेशन। इट हैज दिस लाइक कार्टून की पैकेजिंग है, ब्लैक कलर में व्हाइट कलर से लिखा है। मैंने जो शेड पिक किया है वो है 02 लाटे एंड इस पर कैप है सिक्योरिटी के लिए। फिंगर से निकाला है इतना सा, बहुत लग रहा है, ऑरेंज शेड है, टू ऑरेंज इज द स्पंज, जस्ट स्पंज। एंड ये कुछ नायलॉन का है, इसमें जली भरी है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये फाउंडेशन को कैसा ब्लेंड करता है। और इस हल पे हम एक साइड पे हैंड से कर लेंगे। वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, इसमें थोड़ा ऑरेंजिश अंडरटोन है ना फाउंडेशन में, तो डार्क सर्कल्स को करेक्ट करने में ये काफ़ी सही रहेगा बिकॉज मुझे डार्क सर्कल्स है नहीं, ग्रेश सा वो इफेक्ट देने लगते हैं। आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्रश, ये नया नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीटिंग तो चल सकती है ना। सो ब्लेंडेड गुड एंड स्किन देख सकते हो कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे काली हूँ, यहाँ पे गोरी, थोड़ा सा इसे जॉलाइन का दिखा, थोड़ा सा उसको ऑरेंज हो गया कुछ तो खुल गया। कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग डुओ स्टिक, और ये स्टिक भी काफ़ी अच्छी लग रही है ना, पिंकिश वेरी गर्ली। सो कॉन्टोर शेड भी काफ़ी ऑरेंजिश है, आज मुझे सब ऑरेंजिश ही मिलने वाला है। कूल तो है बट शेड इज रियली लाइट, और मुझे पसीना आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ से फाउंडेशन जाना स्टार्ट हो गया है। वी गॉन नेक्स्ट, आई हैव कम एंड माई लेट्स सेट द होल फेस। कंसीलर को भी सेट, आई हैव दिस, ऐसा कोई भी मिडिल क्लास यूट्यूबर हमारे जैसा गरीब नहीं होगा जिसके पास ये वाला पैलेट नहीं होगा। अगर नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अमीर हैं। मैंने ब्लू ही पहना हुआ, तो लेट्स प्ले विद ब्लू। एंड ब्लू जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है ब्लेंड करने में, जो ब्रशेज यूज़ करेंगे ब्लेंड करने के लिए, ये भी फर्स्ट इंप्रेशन होगा मेरा। एंड दिस इज ब्रशेज, ऐसे कुछ है, ठीक है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका रिव्यू दूसरी वाली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। क्रीज के लिए कुछ ऐसा ब्रश यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर डिपिंग इट इन टू द ब्राउन। ओके, हाँ पिगमेंटेड है बट चार बार मैंने इसको स्वाइप किया है, उसमें डुबो डुबो के ब्रश को पिगमेंट है। चलो ब्राउन तो ठीक है, लेट्स चेक ब्लू। ब्लू इज़ असली इम्तिहान बिकॉज ब्लू कलर जल्दी ब्लेंड नहीं होते हैं, लाइट ब्लू शेड में डिप कर रहे हैं। अप्लाई, इट्स गोइंग वेरी पैची, तो कलर ही नहीं है, हाथों से पता चलेगा। तो लाइट ब्लू कलर
पे ऑफ नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा लाइट शेड है, थोड़ा डार्क करते हैं। ब्लेंड तो कर दिया ब्रश ने काफ़ी अच्छे से, पर इनकी इंटेंसिटी लूज हो रही है। और री अप्लाई करेंगे एंड ब्लेंडेड है ये। तो हमने सोचा था कि एक सिल्वर सा कलर यूज़ करेंगे लिड्स पे। इस पैलेट में कोई भी सिल्वर कलर का शिमर नहीं है और सिल्वर कलर का ग्लिटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो एक बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा ग्लिटर है। ग्लिटर यूज़ करने का कोई प्लान नहीं था, तो ग्लिटर यूज़ करना है तो ग्लिटर ग्लू यूज़ करना पड़ेगा। उसको मैं ऑफ कैमरा कट करा। ओके, तो ग्लिटर ग्लू लग चुका है और ये शेड अप्लाई कर रहे हैं हम। जस्ट पैट पैट। ये कलर जो ग्लिटर है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा हमें। थोड़ा ना इसको बैलेंस करने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा कवरेज दे देगा ये। ब्राउन शेड पहले अप्लाई करेंगे, इनर कॉर्नर हाईलाइट कर लेते हैं। इन वाइब्रेंट सा पिंक यूज़ करते हैं, बिकॉज ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। कैसे कैसे करके पिंक कलर लगते हैं, हाँ अच्छा लगा है। नो शिकायत। लाइनर लगा लेते हैं। लाइनर के लिए मेरे पास है ब्लू हेवन का इंटेंस आईलाइनर। क्लेम्स इट इज स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, लाइट वेट, वन स्ट्रोक फिनिश। ये जो कह रहा है कि हाँ, एक स्वाइप में एप्लीकेशन है, जेट ब्लैक कलर एक साइड में वो है लिटरली। और इसकी टिप भी काफ़ी अच्छी है, थिन प्रोसाइज दे रही है, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का लाइनर कितना प्रोसाइजली हुआ है यहाँ पे देख। नेक्स्ट मेरे पास काजल एन वाई बे द बिग एप्पल ऑफ कोहल। इस बार जो एन वाई बे के प्रोडक्ट हैं उससे कुछ मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज जो पुराने वाले हैं ना मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करे। ऐसी क्या ये वो करता है जो ये कहता है, और यह सिर्फ ठीक है। एक स्वाइप में पिगमेंटेशन भी ब्रश से ही स्मच कर, काफ़ी अच्छा कलर पे ऑफ है इसका, मानना पड़ेगा यार, बट लॉन्ग लास्टिंग का पता चल जाएगा। लैशेज आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन सेंसेशनल का वाटर प्रूफ वर्जन। नेक्स्ट आई हैव ब्लशर बाई एन वाई पे ऑल्सो, दिस इज द सनसेट स्काईलाइन ब्लश। दिस इज नॉट कोरल, काफ़ी सही पिगमेंटेशन मुझे लग रही है, बिकॉज यू नो ब्लशर ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं कर दूँगी, एक हॉल कर लेटर के लिए भी मेरे पास है दिस एन वाई बे का शाइन एंड शिमर हाईलाइटर। माई शेड इज ग्लो कोल्ड। हाईलाइटर की पिगमेंटेशन अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा है। एन वाई बे ने काफ़ी कुछ सुधार लिया है, हाईलाइट काफ़ी अच्छा है। दो बार ही डिप किया है, पूरे फेस को हाईलाइट कर लिया। दिस ब्लू हेवन प्रेप एंड फिक्स प्राइमर एंड सेटिंग मिस्ट। ये कहता है कि आप मुझे से प्राइम करो और हमसे ही सेट कर लेना पैसा बचाने। For the lips, I used this Lush and Juicy this time. अगर आपको ये फर्स्ट इम्प्रेशन वाली वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ कुछ भी अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना विथ योर फ्रेंड्स। एंड जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, सारा कुछ आप कमेंट करके ही जाना। और विश यू अ वेरी गुड लक एंड गुड डे और गुड नाइट। बाय।